नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। हाथरस में गुड़िया के साथ जो हुआ, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र ने तमाम हदों को पार कर दिया है शालीनता के। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की जिस तरह से इन्होंने बखिया उधेड़ने का काम किया है, ऐसी तैसी कर रही है उत्तर प्रदेश प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स है अमित मालवीय। इसने कथित बलात्कार, गुड़िया जो कथित बलात्कार की शिकार थी और अब जो हमारे बीच नहीं है, उसकी पहचान को जाहिर किया है अपने एक ट्वीट के जरिए। मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले एक निजी अपील। दोस्तों, मैं 12 दिन अस्पताल में था, कोरोना हो गया था मुझे, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हूं, मेरी आवाज भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है, और इन हालात में मैं ये कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहा हूं। मगर सबसे पहले अब मैं बात करना चाहूंगा अमित मालवीय की। ये वो शख्स है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बदनाम संस्था का मुखिया है। वो है बीजेपी आईटी सेल। वो आईटी सेल जो पत्रकारों को महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, टारगेट करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और इस शख्स ने शालीनता की तमाम हदें पार की हैं। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमित मालवीय ने इस ट्वीट के जरिए हाथरस की गुड़िया की पहचान को जाहिर कर दिया है, और हाथरस पुलिस ने जो केस दर्ज किया है उसमें उन्होंने धारा 376D का जिक्र किया है, जो कि गैंग रेप का जिसमें प्रावधान है। आदमी क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Hathras victim's interaction with a reporter outside AMU where she claimed there was an attempt to strangulate her neck. None of it is to take away from the atrocity of the crime, but unfair to color it and demean the gravity of one heinous crime against other. Ye aadmi bhi Uttar Pradesh ke Law and Order ke ADG Prashant Kumar ki tarah ye batlane ki koshish kar raha hai ki Hathras ki gudiya ke saath gang rape nahi hua. और मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा आपके स्क्रीन्स पर हाथरस पुलिस की ये रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर ये जो आप गोला देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर धारा 376D का जिक्र है। अब आप कहेंगे धारा 376D क्या है, तो फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। धारा 376D भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर या समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है। यह है धारा 376D जो हाथरस पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया है, और अमित मालवीय ने एक कथित बलात्कार की शिकार महिला की पहचान को सार्वजनिक किया है। अब मैं आपको बताता हूं, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 228A, इसके अंतर्गत जो अपराध अमित मालवीय ने किया है, बीजेपी के प्रचार तंत्र ने किया है, इस शख्स को न सिर्फ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि इसको जेल भेजा जाना चाहिए। और यह क्या कहता है सेक्शन 228A, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Disclosure of identity of victim of certain offences, यानी कि कुछ पीड़ितों की पहचान को जाहिर करना, यह है सेक्शन 228A। क्या कहता है? Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 376, Section 376A, Section 376B, Section 376C or Section 376D is alleged or found to have been committed hereafter in this section referred to as the victim shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall be liable to fine. ये साफ तौर पर कह रहा है कि जहां धारा 376D लगी है, अगर आपने
उस महिला की पहचान को सार्वजनिक किया तो आपको 2 साल की, कम से कम 2 साल की सजा मिलेगी। यह अपराध किया है अमित मालवीय ने। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमित मालवीय पर कार्रवाई होगी? क्या इसे पद से हटाया जाएगा? क्या इसे जेल भेजा जाएगा? इस शख्स को जेल में कम से कम 2 साल होना चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र ने तमाम हदों को पार कर दिया है। इन्हें साथ मिल रहा है इस तरह के बनाना रिपब्लिक चैनल्स का, जो अब यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। मैं उस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहता हूं दोस्तों, कि बलात्कार हुआ नहीं हुआ। तुमने रातों रात लड़की का शव जला दिया, हापुड़ की गुड़िया की का शव जला दिया, अब वो जांच हो भी तो कैसे हो इस मुद्दे की। मगर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, तुमने शव जला दिया मां और पिता की रजामंदी के बगैर। नंबर एक, जब तुमने शव जलाया तो उनकी रजामंदी नहीं थी, परिवार के खिलाफ थी। मीडिया को तुमने पास नहीं जाने दिया, रातों रात तुमने ये काम कर दिया। तुम्हें नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वजह थी कि तुमने रातों रात इस तरह से काम किया। इस वक्त उस परिवार को बंद करके रखा गया है। ये वीडियो देखिए अब, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर डीएम हाथरस परिवार को धमकी दे रहे हैं कि मीडिया तो चली जाएगी, बाद में तुम क्या करोगे। सुनिए, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे निकल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी बदल जाए कि नहीं। सुना आपने? अब आप सुनिए ये और बयान उनकी भाभी। ये वही भाभी है जो पुलिस के जीप के पीछे दौड़ी थी, याद है आपको वो तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए वो डरी हुई भाभी बता रही है, तस्दीक कर रही है कि परिवार पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है। सुनिए, क्या हुआ था कल रात को? हम लोगों को मेरे पापा को थोड़ी धमकी दी गई है, मेरे ससुर को धमकी दी है, मेरे देवर को मां ने धमकी दी है, और ऐसे में ना आप नेता विपक्ष को मिलने देते हो, ना पत्रकारों को मिलने देते हो, और बात छोड़ो बनाना रिपब्लिक चैनल्स के जरिए जो पत्रकार अपना काम कर रहे हैं उन्हें आप बदनाम करते हो। इंडिया टुडे की तनुश्री पांडे, जिन्होंने परिवार के एक सदस्य से बात की, उसकी जो बातचीत है उसे लीक कर दिया गया, और यह केस बनाया जा रहा है कि तनुश्री पांडे ने परिवार को किस तरह से भ्रमित किया और झूठी खबर प्रसारित की। जबकि हर पत्रकार पीड़ित परिवार से बात करता है कि वो बाहर आके अपनी बात रखें। तनुश्री पांडे ने कुछ गलत नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं तनुश्री पांडे ने क्या गलत किया जो बनाना रिपब्लिक चैनल्स और बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। तनुश्री पांडे ने क्या किया उनका गुनाह अब देखिए। दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो जी हाँ, देखा आपने, तनुश्री पांडे ने उस रात की हकीकत को आपके सामने पेश किया था कि किस तरह से रातों रात जला दिया गया था उसके शव को। तनुश्री पांडे वहां मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी और बनाना रिपब्लिक चैनल्स को यह तकलीफ है तनुश्री पांडे से। क्या आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि निर्भया के वक्त इस तरह से हो सकता था? जहां उस वक्त की यूपीए सरकार इस बात को नजरअंदाज कर देती कि निर्भया के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया था। आप और हम सब इंडिया गेट पे खड़े,
हम पत्रकार, सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ में हाथ पकड़े इंडिया गेट में खड़े थे, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, का सामना कर रहे थे। मैं नहीं भूला हूं जब निर्भया का पार्थिव शरीर आया था एयरपोर्ट पर, तो उस पार्थिव शरीर को रिसीव करने नम आंखों के साथ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी मौजूद थी। कहां है योगी आदित्यनाथ? कहां है प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट, एक भी बयान? मैं जानता हूं प्रधानमंत्री हैं, व्यस्त रहते हैं, इन छोटी छोटी चीजों के लिए शायद उनके पास वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री के पास वक्त तब होता है जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा के अहम बिलों पर बगैर चर्चा कराए उसे पारित करवा देते हैं और फिर अगले दिन चाय पिलाने का ड्रामा करते हैं, और चूंकि इसका ताल्लुक बिहार सियासत से है तो उस पर प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, मगर हाथरस पे इन्होंने अब तक ट्वीट नहीं किया। सोचिए इस तरह का रवैया अगर निर्भया के वक्त होता, उस वक्त हम शीला दीक्षित के इस्तीफे की मांग कर रहे थे सब लोग, जबकि शीला दीक्षित के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर तक नहीं था। आज कोई जवाबदेही है? क्या योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की जाएगी? क्या प्रधानमंत्री से मांग की जाएगी कि आप इस मुद्दे पर एक बयान दें, एक ट्वीट तो करें? और दूसरी तरफ प्रशासन क्या कर रहा है उसको लेकर तो मैं हतप्रभ हूं भाई। प्रशासन अब इसे बलात्कार नहीं मानने को तैयार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बिल्कुल उलट है, और कैसे मैं अब आपको बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी प्रशांत कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हापुड़ की गुड़िया पर स्पर्म नहीं मिले, शुक्राणु नहीं मिले, वीर्य नहीं मिले, यानी कि यह बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि बलात्कार हुआ ही नहीं। इनको शर्म भी नहीं आती दोस्तों, इन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की का तहस नहस कर दिया, दिशा निर्देशों की अनदेखी कर दी। सबसे पहले हापुड़ की गुड़िया का डाइंग डिक्लेरेशन है जो कई न्यूज चैनल्स के पास है, जिसमें वो लगातार कह रही थी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अपने दिशा निर्देश, और वो दिशा निर्देश क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपको ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि न सिर्फ अमित मालवीय, जो कि बीजेपी गुर्गों, क्षमा कीजिएगा, बीजेपी आईटी सेल का हेड है, उसने कितना बड़ा गुनाह किया है और उत्तर प्रदेश प्रशासन कितना बड़ा गुनाह कर रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने परमिंदर उर्फ लड़का पोला बनाम दिल्ली राज 2014 दो SCC 592 हाई कोर्ट के एक फैसले की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि बलात्कार को साबित करने के लिए वीर्य यानी स्पर्म्स, शुक्राणु की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे थे कि शुक्राणु मौजूद नहीं है। अमित मालवीय ने उस लड़की की पहचान को जाहिर कर दिया जिसने कहा था मेरे साथ बलात्कार हुआ है। आगे क्या कहता है फैसला, हाईकोर्ट ने मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी में मोदी के निम्नलिखित पैसेज पर भरोसा किया था, इस प्रकार बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लिंग के पूर्ण प्रवेश के साथ हाइमेन के टूटने और वीर के उत्सर्जन होना चाहिए, लेबिया मेजर, वॉल्व और पुडेंडा के भीतर लिंग का आंशिक प्रवेश, वो भी वीर के उत्सर्जन के साथ या बिना, या प्रवेश या का प्रयास ही कानून के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है, यानी कि लिंग का प्रवेश ही काफी है, जरूरी नहीं है कि शुक्राणु निकले या शुक्राणु की मौजूदगी हो। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने क्या कहा, सुनिए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा
देश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यूपी के एडीजी के खिलाफ कार्रवाई होगी इस बयान के लिए? आपने 19 साल की एक लड़की जो हमारे बीच में नहीं है, उसकी आत्मा को आपने ठेस पहुंचाई है। आप इस सरकार के भक्त हो सकते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हो सकते हैं, मगर आज अगर आप इस चीज के साथ खड़े हैं, अगर आप अमित मालवीय के साथ खड़े हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ खड़े हैं, तो आप उन आरोपियों, उन गुनाहगारों के साथ हैं। आप पत्रकारों को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं धारा 144 की दुहाई देकर, आप नेता विपक्ष को घुसने नहीं दे रहे हैं धारा 144 की दुहाई देकर, मगर आरोपी खुलेआम इस तरह की सभाएं कर रहे हैं, उनके समर्थक खुलेआम इस तरह की सभाएं कर रहे हैं। भीड़ देखिए, यहां पर धारा 144 लागू नहीं होती है। मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं, कहां है आपकी मानवीयता, कहां है आपकी इंसानियत, बताइए। आप अंदर से मर नहीं गए हैं, इंसान मर जाता है तो खत्म हो जाता है सब कुछ। आप इंसान ही नहीं रहे हैं, आप इंसान हैं ही नहीं, ना प्रशासन, ना आईटी सेल के गुर्गे जिन्हें सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं अपने झूठ को प्रचार प्रसार करने के लिए। अरे अपने अंदर झांको, तुम क्या बन चुके हो? तुम्हें भी जन्म एक औरत ने दिया है, तुम्हारी भी एक पत्नी होगी, तुम्हारी भी एक बहन होगी, उनकी तरफ देखो और फिर इस प्रचार का हिस्सा बनो। अगर उनकी तरफ देख के फिर भी तुम इस प्रचार का हिस्सा हो तो तुम इंसान नहीं हो। और मैं जानता हूं आज इस समाज का बहुमत इस सोच से इत्तेफाक रख रहा होगा। तुम्हारे जहन में सिर्फ एक मामला मायने रखता है, सुशांत सिंह राजपूत का, और उस मामले को लेकर भी उस शख्स को इतना बदनाम किया जा चुका है कि जिसकी कोई सानी नहीं। और अब एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई फाउल प्ले नहीं है। एम्स की रिपोर्ट को और अंदर की जानकारी एनडीटीवी अब आपके सामने ला रहा है, यह बतला रहा है कि मर्डर नहीं हुआ है। बनाना रिपब्लिक चैनल्स अब क्या करेंगे, कितने झूठ का प्रचार प्रसार करोगे? खैर, एक बार फिर दोस्तों, अगर मेरे मुंह से कुछ सामान्य से परे निकल गया होगा तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हाथरस एक ऐसी घटना है जिसने मुझे हिला दिया है। कम से कम निर्भया के मामले में मैं अपनी बात कह पा रहा था, सरकार को गालियां दे पा रहा था, प्रशासन को गालियां दे पा रहा था। आज प्रशासन उग्र होकर उस परिवार के साथ नहीं खड़ा है, उस परिवार को बदनाम कर रहा है, उनको दफन कर रहा है उनके घर के अंदर, इसलिए मैं दुखी हूं। और ऊपर से 12 दिन अस्पताल में था तो जाहिर सी बात है उसका भी अपना एक असर रहता है, और वो आप मेरी आवाज में महसूस कर रहे होंगे, मेरी सांसों में महसूस कर रहे होंगे। नमस्कार।